एवरीबडी एज प्रोमिस्ड एज आई सेट की आई एल बी कवरिंग पी टी थ्री सिक्सटी फाइव ऑफ सब्जेक्ट जैसे जैसे वो रिलीज होगा सो अभी जो है पॉलिटी का दे हैव रिलीज दैट सो आई बी कवरिंग पॉलिटी अभी आई विल ट्राई टू कवर इट इन द मोस्ट क्रिस्प फैशन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इरेलीवेंट है विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम इसमें बहुत सारी चीजें स्टिल गिवन है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स बट नॉट फॉर यूर प्रम्स देर आर मेनी माइक्रोटॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है या यू शुड नो देम जनरल नॉलेज के परस्पेक्टिव से बट एकदम अगर एग्जाम ओरेंटेड वे में पढ़ना है देन दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट तो इसको स्किप करने के लिए फिल्टर करने के लिए यू हैव टू हैव वेरी गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट एंड वेरी गुड फिल्टरिंग स्किल्स विच विल कम ओवर द टाइम एज यू विल गिव अटेम एंड यू नो जितना टाइम स्पेंड करोगे उस तरीके से वो चीज आती है सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज आल ट्राई टू फिल्टर दिस एज पर द एग्जाम ओके ओके सो फर्स्ट टॉपिक इज योर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है हर साल न्यूज में रहता है अब देखो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ये जब भी आप कोई किताब पढ़ोगे या कहीं से कोर्स लिया होगा तो ये आपको सबको बताते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है क्या ठीक है इसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आई गिव अलगव्यू ब्रीफ ओवरव्यू क्या होता है देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि शुरू से इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ कि पार्लियामेंट जो आपका था एक साइड पार्लियामेंट था एक साइड आपका सुप्रीम कोर्ट था राइट अब सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट और पार्लियामेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डीपीएसपी को अपलाई करे थीके? तो डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करना स्टार्ट किया बट वो अमेंडमेंट किसी ना किसी तरीके से जो डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए वो जो स्टेप ले रहे थे दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहता है कि यार तुम फंडामेंटल राइट right को वायलेट कर रहे हो तो पार्लियामेंट कहता है कि डीपीएसपी भी तो हमें अप्लाई करना है सो देर वॉज अ टसल बिटवीन द डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट ठीक है तो इन दोनों में टसल हुआ अब इसको इसको कौन अप्लाई कर रहा है पार्लियामेंट इसको कौन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में क्या हुआ कि ओवर द ईयर्स एक टसल चला है गोपलम केस शंकरी प्रसाद केस सीजन केस ये सब सबको याद रखने की जरूरत नहीं है इट्स अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन फॉर मेन्स एग्जाम प्रिलियम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है अब देखो होता क्या है कि बेसिक डाउट ये था कि क्या पार्लियामेंट ठीक है पार्लियामेंट क्या अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट right को ये शुरू से डाउट चलता हुआ आ रहा था ठीक है एट लास्ट क्या हुआ कि केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया कि पार्लियामेंट के पास पावर है सुप है फंडामेंटल राइट right को अमेंड करने की ठीक है बट वो सिर्फ एक चीज है वो अमेंड कर सकता है बट अनलिस एंड अनटिल वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे एंड इट वॉज इन द केशवानंदा भारती केस जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बताया है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ठीक है इसके पहले कोई कंसेप्शन नहीं था अब एक और चीज कि एग्जाम के लिए क्या याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर भी इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है ये कब आया एक केस वन अंदा भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इस आइडियोलॉजी को इस फिलोसफी को का इंसेप्शन इस के केस में ही हुआ था ठीक है नाइनटीन में हुआ ठीक है इतना पर ध्यान रखना है पहली चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है और केबीसी केस में किस ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन हुआ था किस तरीके से क्या हुआ नहीं हुआ इतना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मीन्स के लिए होगा तो विल कवर इट सेपरेटली ठीक है यहां तक ये हो गया अब इसमें यू कैन अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो ये सारी चीजें बट प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है आई एम जस्ट टेलिंग यू थिंग्स ठीक है अब उसके बाद एक और चीज यहां पे आ जाओ दिस इज दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स क्या है कि मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट आए सुप्रीम कोर्ट सेट कि हाँ हम बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ये ये चीजों को आप अमेंड नहीं कर सकते आपको करना है करो लेकिन अगर उसके करने से बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी वायलेशन आएगा देन वी विल कंसीडर दैट एक्ट एज वॉइड उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे ठीक है तो अब वो कौन कौन से फीचर है सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हम बताते हैं पहला बोला कि सॉवरिटी ऑफ इंडिया कि आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिसे सॉवरनिटी ऑफ इंडिया डिस्टर्ब होगा तो हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे फिर उसके बाद क्या है कि वेलफेयर स्टेट सुपर मेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो ऐसा पूछा तो नहीं है अभी तक ठीक है बट पूछ सकता है यूपीएससी ठीक है तो इसको एक बार मोटा मोटा ध्यान में अपने को रख लेना है राइट right? अच्छा एक चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज तो द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि देखो इन जनरल अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट right को पार्लियामेंट कैन अमेंड डीपीएसपी को पार्लियामेंट कैन अमेंड बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी थिंग विच डिस्टरब्स अ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी समझा की बात मतलब कि इंडिविजुअली दोनों को कर सकता है अमेंड बट कोई ऐसा अमेंडमेंट ना लाए जिससे कि फंडामेंटल राइट right और डीपीएसपी के बीच में कुछ ये जो इसका हारमोनी है वो हारमोनी है वो डिस्टर्ब हो जाए एक फेमस लाइन है कि आई गेस मिनरवा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी ठीक है तो वही सब मोटा मोटा बात है सेकुलर फीचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए फेडरल नहीं होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन नहीं होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए तो बेसिक बेसिक चीज ध्यान में रख लेना है ठीक है उससे ज्यादा कुछ नहीं अच्छा अब यहाँ पे जो मैंने बताया है कि देर इज नो मेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन यू इन द ऑफ इंडिया ये एक भी आपके ये यहाँ से एमसीक्यू एक आपका बन सकता है ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हो गया यहाँ तक उसके बाद इसमें और भी आपके कोई भी चीज़ इस तरह के समझने लायक नहीं अब ये मींस के लिए इसका इंपॉर्टेंस है मीन्स के लिए प्रीलिम्स के लिए नहीं ठीक है अब यहां पे आ जाओ न, एक मिनट हा जुडिशरी ये सारा चीज हमने कवर कर लिया ओके ये बेसिक चीजें यार मतलब कि लिविंग डॉक्यूमेंट है और ये बताया बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ये मतलब कि नॉर्मल सा लैंग्वेज है प्रीलिम्स के लिए इसका एमसी नहीं बनेगा इस पर ठीक है अब यहां पर आ जाओ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी इंडिपेंडेंस इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर दिस इज वन थिंग विच एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है देखो यहां पे जुडिशियल रिव्यू को तो बोला था कि फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है यहां पे एक चीज और बता दिया कि आपका कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है उसका भी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट हो ये भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई जजमेंट देख के बता सकता है कि ये चीज़ जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इस पर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो कभी भी दे सकता है ठीक है ये क्रिटिसिज्म भी है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रेन का ठीक है प्रीकली इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये ठीक है थीके? यहां तक ये हो गया अब आ जाओ एब्रोगेशन ऑफ थ्री सेवेंटी सबको बताया कि थ्री का एब्रोगेशन हुआ था ठीक है दो में हुआ था ये एक Uh, हमने ये एक एक्ट एक लाया था जम्मू कश्मीर ऑर्गनेशन एक्ट ठीक है इससे हमने थ्री सेवनटी को एब्रोगेट कर दिया आर्टिकल थर्टी फाइव ए को एब्रोगेट कर दिया ये क्या था थ्री सेवनटी में हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए थे जम्मू एंड कश्मीर को और थर्टी फाइव ए में क्या कहा था कि जो जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनको इन्होंने क्या क्या कहा कि परमानेंट रेसिडेंट बना दिया इनको इनको क्या कह दिया कि ये दे आर द परमानेंट रेसिडेंट्स और फिर जो नए लोग सेटलमेंट होंगे उनको वो राइट्स वो प्रिवलेजेस नहीं मिलेंगे जो परमानेंट रेसिडेंट को मिलेंगे अब सिंस थर्टी फाइव में हट चुका है तो अब ऐसा कोई भी नहीं है ठीक है एक चीज़ हो गया Now, instrument of accession क्या है तो तो जब महाराजा हुआ करते थे उस टाइम तो उन्होंने कश्मीर को हमें एक्सीड कर दिया था डोमिनियन ऑफ इंडिया उस टाइम आजादी के टाइम पे ठीक है वो उस टाइम थोड़ा मैटर हुआ था पाकिस्तान इनवेट वगैरह कर दिया था गेव तो द कश्मीर को एंड ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया दैट टाइम हमारी लीडरशिप के साथ ठीक है उस बीच हमने फिर क्या कहा इनको थ्री सेवेंटी दिया था एक स्पेशल प्रोविजन दिया कि ठीक है भैया आप हमारे साथ ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करो हम आपको स्पेशल प्रोविजन देते हैं बट एट द सेम टाइम ये जो प्रोविजन मिला था इसमें साफ साफ लिखा होता था कि इट्स अ टेम्पररी एंड एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन की टाइम के साथ ये चेंज हो सकता है बट इतने साल के बाद भी चेंज नहीं हुआ पोलिटिकल विल नहीं थी बट टू में अल्टीमेटली ये चेंज हुआ एंड इसको लेके ओवर द टाइम ये क्वेश्चन उठते रहता था कि यार ये सही है नहीं है तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं यार इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है इट इज वैलिड एंड इट इज नॉट वाइड ठीक है तो दिस इज द समरी ऑफ दिस तो क्या है आर्टिकल 370 पता है क्या है ऑब्वियसली स्पेशल प्रोविजन थे आर्टिकल थर्टी फाइव परमानेंट प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है अब ये दोनों ही नहीं रहा दोनों को हमने अब्रोगेट कर दिया है किस एक्ट के अंतर्गत किया इस एक्ट के अंतर्गत किया ओके इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पता है किससे कनेक्टेड है कश्मीर से कनेक्टेड है इतना याद रखना बस इसम से क्यों बन सकता है नॉट इंपॉर्टेंट बट बन सकता है ठीक है थर्टी फाइव सब एब्रोगेट हो चुका है अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहां से एमसीक्यू आपका बनेगा कि अब ये जो एक्ट लाया गया था क्यों कि विच आर्टिकल वॉज यूज इन मतलब इस एक्ट को लाने के लिए किस आर्टिकल का यूज किया गया तो आर्टिकल थ्री को यूज किया गया ठीक है आर्टिकल थ्री को यूज करके हमने क्या किया इसके इसके नए स्टेट को स्टेट यूनिटेटरी को डिवाइड कर दिया हमने तो ये बाउंड्रीज को वॉल्टर किया हमने तो दीज थिंग्स वी डिड यूजिंग आर्टिकल थ्री पावर चाहिए कहीं ना कहीं से तो पावर हमें आर्टिकल तो थ्री से मिला ठीक है उसके बाद अब ये क्वेश्चन आपसे इसको ना इस करंट से मोटिवेट होके लेकिन आज की वो स्टेटिक क्वेश्चन स्टेटिक क्वेश्चन कैसे पूछेंगे लेकिन <coughs> आज क्योंकि कि इस चीज के लिए क्या रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट है तो यस प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड रेकौर्मेंड होता है और क्या रिक्वायर्ड होता है कि स्टेट से आप जाकर ठीक है स्टेट से आप जाकर स्टेट को बस ये प्रपोजल बता दो कि हम ऐसा करने वाले हैं लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और किसमें कंफ्यूजन होता है देखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है जस्ट सेकेंड ओके खाली स्पेस नहीं मिल रहा यार या। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहां पे यह रहेगा आपके तो इंपोर्टेंट ये रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि प्रेसिडेंट का क्या रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है सो तो या पहले क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे रिकमेंड करने के बाद ये आर्टिकल थ्री को यूज करके दे विल पास सम एक्ट और इसके बाद क्या करेंगे कि रिकमेंड करने के बाद प्रेसिडेंट रिकमेंड करने के बाद क्या करेंगे दे विल इंट्रोड्यूस द एक्ट ठीक है बिल इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर ये बिल जाएगा स्टेट के पास ठीक है स्टेट को बस बताएंगे अब यहाँ पे द क्या चीज कि एक तो वो तरीके की स्पेशल मेजोरिटी होती है जिसमें स्टेट का अप्रूवल चाहिए होता है बट इट इज डन बाई सिंपल मेजोरिटी ठीक है तो इसमें क्या क्या चीज़ रह गई कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगेगी तो अगर किसी को आर्टिकल थ्री यूज करना है यानी जो अभी गवर्नमेंट ने यूज़ किया था 2019 में तो सबसे पहला कि इसमें सिंपल मेजोरिटी यूज हुई थी ठीक है पहला कि सिंपल मेजोरिटी हुई थी इसमें स्पेशल मेजोरिटी यूज नहीं हुई थी ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग ठीक है किसी भी आर्टिकल वन टू थ्री किसी को इन्वोक करने के लिए यानी किसी भी बाउंड्री रिलेटेड चीज करने के लिए नाम चेंज करने के लिए बाउंड्री चेंज करने के लिए इन सब चीजों के लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगती है ठीक है पहली चीज दूसरा कि स्टेट का स्टेट लिस्टेचर का अप्रूवल भी अप्रूवल भी मैंडेटरी नहीं है अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है ठीक है बस इनको क्या करते हैं दे जस्ट लेट देम नो कि हम ऐसा काम कर रहे हैं आपको फर्क पड़ता नहीं पड़ता उससे हमें आप एग्री है नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है जस्ट लेट देम नो इज अ डिफरेंस प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए रिकमेंडेशन लेके लोग बिल इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद ये स्टेट को बस बता देंगे कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं और फिर बिल पास हो जाएगी ठीक है अब इतना सा प्रोसेस है इसका सिंपल मेजोरिटी लगती है स्टेट का लेजिस्लेचर अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है बस इनको जानने देंगे जस्ट लेट देम नो सिंपल दिस इज वॉट इज important फॉर एम इसलिए मैं बार बार इस पर इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि आर्टिकल थ्री सेवेंटीज इन न्यूज़ एक मूवी भी बन रही है इस पर दैट इज वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस एक बार और फिर से बोलता हूँ कि सिंपल मेजोरिटी लगती है आर्टिकल थ्री को यूज किया था बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगता है और स्टेट का स्टेट लिटरेचर का अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है सिर्फ उनको बता देते हैं राइट खत्म हो गया यहाँ तक कम टू दिस अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली अमेंडमेंट एक्ट एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ डेली इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है एंड बहुत ज्यादा टसल रहता है बिटवीन होम बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट अब सेंटर एंड द स्टेट का क्या मतलब हुआ कि देखो स्टेट में सही चीफ मिनिस्टर है और सेंटर के बिहाफ पे कौन यहां पे करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है टसल होता है ठीक है एंड बेसिकली इनको किसको रिकमेंड करते हैं ये प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट किसका है भैया सेंटर का है ठीक है अब स्टेट में चीफ मिनिस्टर मतलब केजरीवाल साहब है वहां पे तो हमेशा यहाँ पे ड्यू टू क्लैश बिटवीन द जुरिस्टिक्शन कि हम ये करना चाहते हैं वो सेंटर खोलेगा हम ये करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लैश हमेशा होता ही होता है ठीक है इसको करने के लिए एक एक्ट पास हुआ ये वाला आपका कौन सा एक्ट है ये आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली अमेंडमेंट एक्ट ठीक है इस एक्ट ने एक अथॉरिटी सेटअप करी एक बॉडी सेटअप करी इसका नाम है एनसीसी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी ठीक है ये एक स्टेटरी अथॉरिटी है क्योंकि स्टेटरी क्यों भैया स्टेटरी उसको बोलते हैं जिसका पावर किसी लॉ से मिलता है किसी एक्ट से मिलता है सॉरी ठीक है कौन से एक्ट से मिल रहा है पावर इस एक्ट के अंतर्गत उसको स्टेब्लिश किया गया इसलिए उसको स्टेटरी अथॉरिटी कहा गया ठीक है इसका कंपोजिशन पूछेगा नहीं बट फिर भी देख लो चीफ मिनिस्टर है ठीक है एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी है एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ डेली है ये लोग मतलब तो बेसिकली आपको नहीं लगता कि स्टेट के मेंबर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं राइट अब ये लोग क्या करेंगे दे विल रिकमेंड टू द लेफ्टिनेट गवर्नर कोई भी चीज अगर बोलनी होगी तो ये, ये कमेटी बैठेगी कमेटी कुछ डिसाइड करेगी एंड दे विल रिकमेंड टू द लेफ्टिनेट गवर्नर अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका जो रिकमेंडेशन होगा वट एवर दिस एनसी एन सी एस ए विल रिकमेंड टू द लेफ्टिनेट गवर्नर ये मान ली रिकमेंडेशन आपने दे दिया ठीक है अब क्या रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी ये क्वेश्चन है यही सेम से क्यों बन सकता है बनने का पोटेंशियल पे क्या ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी नो दिस रिकमेंडेशन विल नॉट बी बाइंडिंग गवर्नर चाहे ही हैज पावर इसकी इनकी पावर से ज्यादा है मतलब इस काउंसिल से पावर इनकी ज्यादा है ही कैन और कैन नॉट अग्री टू दैट सो ही कैन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा यहाँ पे ठीक है जरूरी नहीं है कि इस जो जो ये रिकमेंडेशन देंगे ये बाइंडिंग होगी ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्या रहा है एग्जाम के लिए कि ये बॉडी रही सेक्रेटरी बॉडी है इसका कंपोजिशन देख लेना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो रिकमेंडेशन देंगे रिकमेंडेशन जो देंगे ये रिकमेंडेशन क्या होंगी? ये होगी ये रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होगी नॉन बाइंडिंग होगी ठीक है दिस इज ऑल अबाउट दिस इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल नहीं है इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए ठीक है देखो ये एक इंफॉर्मेशन है अगर करना चाहो यू कैन डू दैट ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है इतने पे अपने क्या कर सकते हैं वी कैन टेक द कैलकुलेटेड रिस्क इसको देखो ब्लाइंड रिस्क नहीं कहते हैं इसको कैलकुलेटर रिस्क कहते हैं कि यार आ भी सकते हैं नहीं भी क्योंकि एक एक चीज तो हम पढ़ नहीं पाएंगे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा तो इसको हम लोग रिस्क लेके छोड़ सकते हैं बट ये वाला तो एकदम साफ है कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ठीक है अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है अगर बनना होगा तो बट इससे नहीं बनता है इन जनरल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता बट ठीक है अगर बनना हुआ तो देख लेते हैं कि डेली का जो लेजिस्लेचर है ना वो पुलिस पब्लिक ऑर्डर और, और लैंड पे लॉ नहीं बना सकता ये एक्सेप्शन है इन जनरल पुलिस जो होता है वो तो स्टेट लिस्ट में होता है तो कॉमन सेंस बोलेगा कि यार तो लॉ बना सकता है है ना बट नहीं बना सकता ये एक्सेप्शन है ये दिल्ली के केस में तो पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड जनरली ये स्टेट के अंदर में होता है बट यहाँ पर नहीं ठीक है अब ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट में जो भी होगा वो तो बनाएगा ही लो ये तो कॉमन सी बात है बट इसमें एक्सेप्शन क्या है ये तीन जो है ये एक्सेप्शन है ठीक है तो इसको अगर ध्यान में रख लेंगे तो बढ़िया होगा अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन इसका क्या मतलब है कि डिटेंशन का मतलब किसी को हिरासत में लेना प्रिवेंटिव का मतलब किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए तो डिटेंशन दो तरीके का होता है एक होता है आपका प्यूनिटिव ठीक है प्यूनिटिव का मतलब है कि आपने कांड कर दिया उसके बाद आपने इन्होंने आपको उठाया पुलिस ने आपको उठाया प्रिवेंटिव का मतलब है

डिटेंशन एंड अरेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ठीक है डिटेंशन पहले आपको क्या करेंगे अरेस्ट करेंगे आएंगे पुलिस आपको अरेस्ट करेगी एंड देन आपको क्या करेगी डिटेन करेगी राइट तो इससे आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल राइट right है और वो कौन सा आर्टिकल ट्वेंटी है इतनी बहुत क्लियर है ठीक है अभी आर्टिकल ट्वेंटी क्या कहता इस है इसमें तीन क्लॉज है ट्वेंटी वन क्लॉज वन ट्वेंटी टू क्लॉज वन टू एंड थ्री वन क्या कहता है कि किसी भी बंदे को आप कस्टडी में नहीं लोगे बिना उसको इन्फॉर्म किए हुए कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो विदाउट बींग इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ठीक है पहली चीज पुलिस आएगी आपको बताएगी आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ये आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लाज वन है ये आपकी फंडामेंटल राइट है बिना आपको इन्फॉर्म किए हुए अरेस्ट नहीं करेगा ठीक है सेकंड चीज़ की आर्टिकल ट्वेंटी टू क्लाज टू क्या कहता है कि अगर आपको अरेस्ट करके कस्टडी में ले जाते हैं तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है क्यों करने का राशनल है क्योंकि पुलिस अपना डिस्क्रिशनर डिस्क्रिशनरी पावर यूज ना कर पाए खुद खुद से मतलब कि आपको डिटेन करके कर रखा हुआ है एंड दे आर नॉट प्रेजेंटिंग यू टू वर्स द मेजिस्ट्रेट ताकि यू शुड फेस द फ्री एंड फेयर लॉ आपको फ्री ट्रायल फेस किया जाए बिफोर लॉ ठीक है बट यहीं पे इन दोनों वन और टू को जो आपको प्रोडक्शन दिया गया है कि बिना ग्राउंड के आपको बिना रीज़न बताए अरेस्ट नहीं करेंगे अरेस्ट कर भी लिया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे बट आर्टिकल 23 थ्री ट्वेंटी टू क्लास थ्री ये कहता है कि अगर ये अरेस्ट जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के, के केस में हुआ है तो ये दोनों तो वैलिड ही नहीं है इनको इनवैलिड मतलब कि ये प्रोडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपको प्यूनिटिव केस में अरेस्ट किया गया मतलब कि आपने कुछ क्राइम कर दिया उसके बाद आपको अरेस्ट किया गया तब आप जाके आप उससे पूछ सकते हो कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और फिर आप उसको बोल सकते हो कि 24 घंटे के अंदर मेरे को मजिस्ट्रेट के पास ले चलो बट अगर उसने आपको पहले ही बोल दिया कि भैया आपको अरेस्ट किया जा रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन में ठीक है हमें आपरेंशन है तो इस केस में आप ना ही ये कह सकते हो कि मेरे को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ वो आपको बिना बताए अरेस्ट कर सकते हैं ना ही आप ये कह सकते हो कि अरेस्ट करने के बाद कि चौबीस घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले चलो ये दोनों आप नहीं मांग सकते तो ये एक्सेप्शन है तो इसको आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है एमसीक्यू क्या बनेगा आपका कि प्रिवेंटि डिटेंशन के केस में आपका ट्वेंटी टू क्लॉस वन ट्वेंटी टू क्लास टू ये आपको नंबर दे नहीं पूछेंगे दे विल से कि प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में uh, कि इट इज मैंडेटरी इट इज ए फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्म यू टू गेट इन्फॉर्म अबाउट द ग्राउंड अरेस्ट बट ये तो गलत है क्योंकि यू इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट ये आपका सस्पेंड हो जाता है ठीक है एंड फिर एक और क्वेश्चन ये पूछ देंगे आपसे कि इट इज मैंडेटरी टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ अरेस्ट इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन बट इट इज रॉन्ग प्रिवेंटिव केस में इट इज नॉट मैंडेटरी ये दोनों तो भैया आपका ये दोनों आपका सस्पेंड हो गया ना सस्पेंड हो गया ये दोनों ठीक है तो एमसीक्यू के लिए आपका यही इंपॉर्टेंट है ठीक है अब एक और चीज क्या है एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां है एमसीक्यू के लिए कि अभी मान लिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में लॉ बनाना होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉस क्वेश्चन में पूछेगा या फिर बोथ स्टेट एंड पार्लियामेंट कैन मेक लॉज बोथ स्टेट प्लस पार्लियामेंट तो आप क्या बोलोगे कि बोथ स्टेट प्लस पार्लियामेंट एज वेल एज दोनों के दोनों अभी कंकरेंटली लॉ बना सकते हैं स्टेट भी बना सकता है और पार्लियामेंट भी बना सकता है दोनों मिलकर बना सकते हैं किस चीज पर लो अगर या फिर लॉ बनाना है ठीक है ठीक है ऑल राइट अब यहां पे एक और यह था पर्सनालिटी राइट देखो ये ऐसा रैंडम टॉपिक है इट्स नॉट इंपॉर्टेंट स्किप कर देना इसको ठीक है ये हो गया Uh, अगर फिर भी यार कॉमन सेंस लगाओ कि किसी के पर्सनालिटी के राइट right का मान लिया तुम्हें तुमने स्किप कर दिया एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपने ठीक है तो कॉमन सेंस लगाओ यार कि पर्सनालिटी राइट right के बारे में बात हो रही है ठीक है तो पर्सनालिटी का मतलब कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी से होगा मतलब और राइट टू प्राइवेसी किस में आता है आर्टिकल ट्वेंटी में आता है ठीक है ओके अब हेट स्पीच इससे प्रीलियम्स में क्वेश्चन क्या बन सकता है हर साल प्लास्टर भी न्यूज में था इस बार न्यूज़ में तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है यहाँ से कैम से बन सकता है आपका बोलेंगे कि हेट स्पीच हैज नॉट डिफाइंड इन इन एनी लॉ इंडिया यस इट इज आपको लगेगा यार कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया के किसी लॉ में नहीं कुछ लोग बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होता है बट यहां पे नहीं एनी बोल दिया तो लोग बोलेंगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो ये तो गलत है नहीं बट ये सही है हेट स्पीच को कहीं मैंशन नहीं किया गया बेसिक स्ट्रक्चर को भी कहीं मैंशन नहीं किया गया माइनॉरिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में राइट इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि हेट स्पीच हैज नॉट डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया कहीं डिफाइन नहीं किया गया ठीक है ये हो गया अब एक चीज और देख लो हेट स्पीच का हेट स्पीच मतलब क्या हुआ स्पीच है अब आपको ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट है जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है दैट इज योर आर्टिकल 19 राइट right? तो आर्टिकल 19 में आपको बोला गया है आर्टिकल 19 लॉजोन में कि आपको आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बट एट द सेम टाइम नाइनटीन क्लाज टू कहता है कि भैया आप कुछ भी तो बोल सकते हो बट इन केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो स्टेट है जो जो लॉ है वो आपके आर्टिकल 19 क्लॉज वन को कटेल भी कर सकता है कि आप बोल तो सकते हो अनलिस एंड अनटिल आपके स्पीच से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो या फिर कोई ऑफेंस ना करे ठीक है या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट डिस्टर्ब ना हो जब तक ये ना हो तब तो तक आप बोल सकते हो तो हेट स्पीच को भी इसमें रिस्ट्रिक्शन में लाया गया है कि अगर आप कुछ बोलते हो एंड इट इज कंसिडर्ड किसी ने बोल दिया कि अगर ये डिक्लेयर हो गया कि वो हेट स्पीच है तो इस पर आपका रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ठीक है तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेट स्पीच जो है वो किस आर्टिकल के थ्रू उसको रिकोगनाइज या बैन किया जा रहा है तो आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज टू याद रखने की जरूरत नहीं कॉमन सेंस है कि नाइनटीन क्लॉज टू आपको पता होता है जो भी सीरियसली पढ़ता है कि नाइनटीन क्लॉस टू क्या करता है रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अभी मेंस में भी क्वेश्चन आया था ठीक है रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ओके okay? ये हो गया अब ये सब इतना इतना माइक्रो चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है इतना माइक्रो किसी से नहीं याद होता ठीक है थीके? फिर एक बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है सबको पता होता है कि ये क्या करता है ये डिस्क्वालीफाई करता है जो आपके पार्लियामेंटेरियन होते हैं तो वो डिसक्वालीफाई करता है तो अगर कोई पार्लियामेंटेरियन है ठीक है एमपी है एमएलए, वो अपना स्पीच दे रहा है उस उस स्पीच से अगर वो हेट स्पीच पता लग गया अगर ये इस्टेब्लिश हो गया कि वो हेट स्पीच करता है तो इस ग्राउंड पे उसको क्या किया जा सकता है डिसक्वालीफाई किया जा सकता है ठीक है अब ये बहुत ज़्यादा माइक्रो हो गया तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये सारे केसेस जो हैं दिज आर इम्पोर्टेंट फॉर मीन्स जो मीन थ्री सिक्सटी फाइव में आपका कवर हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूपीएससी कभी भी प्रीलिम्स में आपके केसेस नहीं पूछता है तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ओके नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक इज ऑफ वर्शिप एक्ट राइट ये इसमें बहुत कुछ अभी आएगा आपके अयोध्या वाला आएगा ठीक है तो अब इसमें आपको क्या देखना है कि देखो ये सब कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है ठीक है इतना बस बेसिक ध्यान रख लो जनरल नॉलेज के लिए कि, कि यार इसका मतलब ये होता है कि 1947 के टाइम ठीक है आज़ादी के टाइम फिफ्टीन अगस्त नाइन्टीन फोर्टी सेवन के टाइम जो भी नेचुरल जो भी मतलब हमारा आई वुड से कि रिलीजियस प्लेसेस था वर्शिप था जहाँ पे लोग कोई चाहे वो चर्च हो टेम्पल हो गुरुद्वारा हो ठीक है उसका जो स्टेटस उस टाइम था अगर वो उस टाइम पे मंदिर था या उस टाइम पे मस्जिद था या उस टाइम पे चर्च था तो जो उस दिन तक जो था वही कंटिन्यू रहेगा उसके बाद नोबडी कैन गो एंड क्लेम कि यार पहले ये था ये था ठीक है इसमें अयोध्या वाले को बस एक एक्सेप्शन दिया गया है ठीक है अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया ना कि उदयोग क्यों एक्सेप्शन दिया रीजन रहा है उसका ठीक है बट एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक से यूपीएससी नहीं पूछती है ठीक है इसलिए आप इसको सक, तो इजीली इसको स्किप कर सकते हो आप ठीक है, है।, है। अब कुछ और है न्यूज है जैसे एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब देखो पॉलिटिकल स्टेटिक लक्ष्मी कांग्रेस में कवर हो जाता है एट्थ शेड्यूल में क्या बोलते हैं इसमें शेड्यूल लैंग्वेजेस आपके शेड्यूल लैंग्वेजेस आपके होती होते हैं ठीक है तो इनिशियली फोर्टीन लैंग्वेज हुआ करते थे हमारे पास आज बढ़ के वो ट्वेंटी टू हो गए ठीक है तो अभी क्या हुआ है कि उड़ीसा के कैबिनेट ने ये कोई लैंग्वेज को करने के लिए प्रपोजल दिया है तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपको हो जाता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कोई लैंग्वेज जो ट्राइबल लैंग्वेज है ये आपके किस स्टेट से रिलेटेड है तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है ठीक है यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है उसके अलावा यहां से बनने की कोई भी जरूरी जरूरत नहीं है आपके ये सब नहीं याद करना है यार इतना फैक्ट नहीं पूछती यूपीएससी और अगर पूछेगी तो फिर नहीं होगा किसी से जिसको आता होगा वो तो लक्की बात हो जाती है क्योंकि आप इतना माइक्रो फैक्ट याद नहीं रख सकते हो ठीक है नाउ कमिंग टू द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाइन्थ शेड्यूल का मतलब क्या था देखो यार कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ तो उस टाइम में जमींदारी एक्ट वगैरह चल रहा था तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ज्यूडिशियल रिव्यू करके एक्ट को एंड वॉर डिक्लेयर कर दिया करती थी तो उस टाइम पार्लियामेंट ने एक एक्ट एक पास किया उसने बोला कि जिस भी प्रोविजन को हम नाइन्थ शेड्यूल में डाल देंगे नाउ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट उसके ऊपर कोई भी जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई भी आ, के लीगल एक्शन नहीं ले सकता ठीक है तो लेटर ऑन इन दिस आयर कोयलो केस में इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भैया क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू है और ये अगर तुम कह रहे हो पार्लियामेंट आप कह रहे हो कि जो भी चीज़ आप इसमें कुछ भी डाल दोगे और सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशल रिव्यू नहीं चला पाएगा डोंट यू थिंक कि मेरा जुडिशियल रिव्यू का ये ये रिस्ट्रिक्शन है आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो जुडिशियल रिव्यू को एंड इफ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग माई जुडिशियल रिव्यू देन यू आर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी बोल रखा है कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू पार्लियामेंट यू डू दैट बट एज लॉन्ग एज मेरे बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है बट यहाँ तो तुम जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो एंड जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसलिए हम आपको क्या करेंग? करेंगे नल एंड वार्ड डिक्लेयर कर देंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ठीक है तो नाइन्थ शेड्यूल में अभी जो भी चीज़ें प्लेस होती हैं नाइन्थ शेड्यूल अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बट नाइन शेड्यूल में जो भी चीजें प्लेस की जाती हैं जुडिशियल रिव्यू पे पॉसिबल है तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल में एग्जाम में आ जाए कि नाइन्थ शेड्यूल में जो भी चीजें प्लेस की गई हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है क्या नहीं एनी थिंग एंड एवरी थिंग कैन बी पुट अंडर जुडिशियल रिव्यू ठीक है सब कुछ रख सकते हैं एक दो एक्सेप्शन है टेल यू लेटर ऑन की क्या एक्सेप्शन है एक तो आपका वो जुडिश इंटर रिवर डिस्प्यूट है दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन है ये सब जुडिशियल रिव्यू के बाहर है इसके पीछे का रीजन है जब हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे देन हल टेल यू ठीक है राइट टू साइलेंस राइट टू साइलेंस का मतलब है कि, कि किसी ने आपको अरेस्ट किया तो आप चुप रह सकते हो बट इसका ये कि सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल है इसमें अब किस आर्टिकल से इसको पावर मिलता है आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी क्या कहता है कि कि ये आपके कहता है कि यार अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया तो आप ये क्यों है इसका नाशनल क्या है कि मान लिया पुलिस ने आपका अरेस्ट किया नाउ वट एवर यू आर कैन बी यूज अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ आपको मारपीट के कर लिया स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया नाउ इन द कोर्ट कोर्ट द जज विल आस्क यू कि क्या आपने आप इसको एक्सेप्ट करते हो इसीलिए सेल्फ इनक्रीमिनेटिंग एविडेंस ऐसे एविडेंस जिससे कि ऐसा स्टेटमेंट जिससे आपके खुद का लॉस हो जाए ये एक्सेप्टेबल नहीं होता इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट इट रिजर्वेशन फॉर लोकल एक इन वेरी टॉपिक इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट तो बाय दिस एक और है, चलो यहाँ देख लो एफर्मेटिव एक्शन यार कुछ नहीं है ऐसे एक्शन जो कि स्टेट लेता है जैसे कि एजुकेशन के लिए लॉ बना दिया या आर्टिकल रिजर्वेशन जो हम लोग बेसिकली देते हैं ठीक है आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 आर्टिकल सिक्सटी में रिजर्वेशन जो हम लोग देते हैं ई बी सी ई डब्ल्यू एस को रिजर्वेशन देते हैं ई डब्ल्यू एस को देते हैं ओ बी सी को देते हैं राइट रिजर्वेशन देते हैं ना हम लोग एस सी एस टी को देते हैं तो ये क्या एफर्मेटिव एक्शन लेता है किसी भी बैकवर्ड या फिर वनरेबल सेक्शन के अपलवमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो एफरमेटिव एक्शन हुआ वो ठीक है बेसिक सी चीज़ है अब यहाँ पे देखो ये बेसिक जनरल नॉलेज की चीज़ है ये एग्जाम में जनरली नहीं पूछती यूपीएससी इसमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर करना चाहो तो कर लो रंगानाथ मिश्रा कमेटी को कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिस थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट ये सब आपके लक्ष्मीकांत ने पढ़ना होगा पढ़ लोगे उससे ज्यादा कुछ नहीं है सब इंपॉर्टेंट नहीं है ये बस देख लेना छोटा सा कि रंगानाथ मिश्रा कमीशन जो है इसको नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी कहते हैं ठीक है थीके? तो बाय दिस